लार्ज साइज म्यूरल है, ये 7 feet × 7 feet है। तो ये एक पोर्ट्रेट वर्क है, बड़ा साइज में पोर्ट्रेट वर्क बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फेस मैच करना, बॉडी पूरा के पूरा, और वो भी रिलीफ के अंदर। तो चलिए आज ये प्रोसेस जो है कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू मैट्रिक चैनल। ये बहुत ही बड़ा 7 feet × 7 feet का एक गुरु महाराज का एक बैठा हुआ, ये रिलीफ में बनेगा, मूर्ति नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत डिटेल काम है। बैकग्राउंड में ज्यादा कुछ नहीं है, एक ट्री है, बाकी इधर एक टेंपल है। रिलीफ होगा मिट्टी में, मोल्ड होगा पीओपी, उसके बाद फाइबर कास्टिंग होगी, मल्टी कलर होगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस इस वीडियो में होगा, आप लोग प्लीज पूरा वीडियो को देखिए। मैंने इसको स्टेंसिल कर लिया, कितना सा हो जाए अभी इसको मिट्टी में काम है। तो चलिए अभी ड्राइंग हो गया, अभी ड्राइंग का ऊपर आप लोग धीरे 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 मिट्टी चलाएंगे। देखिए रिलीफ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो लो रिलीफ के अंदर ही हम लोगों को बनाना है। ये गंगा मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी, तो हमारा इधर लोकली मिल जाता है, मतलब गंगा नदी का किनारे इस टाइप का पली मिट्टी मिल जाता है। तो आपका उधर जहाँ पे आप रहते उस साइड में जमीन पे देखिए, थोड़ा सा ढूंढिए, तो इस टाइप का पली मिट्टी, दूसरा टाइप का भी हो सकता है, कहीं पे बालू का भाग ज़्यादा है, कहीं पे प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, तो मिट्टी को देखिए या हैंडलिंग करते करते आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो सबसे बेहतर है नेचुरल मिट्टी, और अभी तो आर्टिफिशियल बहुत सारा मिट्टी मिलता है लेकिन कॉस्टली है। और ये जो मिट्टी है, मैं ये पूरा म्यूरल काम करके कंप्लीट करके मोल्ड करेंगे, और मोल्ड लेने का बाद इसको फिर से पॉलिथीन में ढक के रख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये मिट्टी जो है फिर से नया जो म्यूरल बनाएंगे उस म्यूरल पे काम पे आएगा, ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस, मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो ऐसे आप काम कर सकते हो। मिट्टी को रेडी करना, काम के पहले मिट्टी को रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग अभी, हमारा पास कोई मशीन नहीं है, मशीन मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, जिसको पार्क मिल बोलते। तो वो मशीन में आपको क्या होगा, मिट्टी जो है बहुत अच्छा से तैयार हो जाता है। बाकी अभी तो हाथ में करना पड़ता है, हेवी कोई हैमर टाइप का लेकर इसको रेडी करता हूँ, टाइल्स को भी रेडी करता हूँ। उसके बाद जो रिलीफ होता है, तो वो मिट्टी थोड़ा गीला रहता है, तो काम करना अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए एक दिन में तो ये काम कंप्लीट नहीं होगा ना, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग सकता है। तो इसीलिए आपको क्या, इसको टाइम देना पड़ेगा, और धीरे 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 ये काम को करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जो टाइम लगेगा उसके लिए आपको ढकना पड़ेगा, पॉलीथीन से ढकना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी क्रैक हो जाएगा। तो नेचुरल मिट्टी है ना, जो विंटर का अभी टाइम आ गया, तो इसमें क्या होगा, अभी जल्दी सूखेगा, इस टाइम मॉइस्चर खींच लेता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए आपको और भी प्रोटेक्शन जो जरूरी होता है, आपको इसलिए क्या करना, भीगा कपड़ा को ऊपर से मतलब लपेट दीजिए, उसके बाद आप पॉलीथीन यूज कीजिए, तो क्या होगा, उसमें जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और काम करते करते कोई कोई ऐसे स्प्रे करते हैं पानी, लेकिन उसमें कोई काम मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता है, वो मत कीजिए। जितना टाइम आप काम करेंगे आप भूल जाइए पानी देना, ये करना, ठीक है ना। सबसे बेहतर है काम कंप्लीट कीजिए, और कपड़ा भीगा कपड़ा से ढक दीजिए, ठीक है, वो सबसे बेहतर है। देखिए अभी पूरा स्टेप फिगर का ही काम करेंगे। फिगर को कंप्लीट होने का बाद जैसे सरीज है, जैसे ट्रीज है, पीछे मंदिर टाइप का है, 3-4 डॉग है, तो ये धीरे 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 हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो फेस मैच करने के लिए आपको और भी टाइम लगे, और भी दे सकते। के बाद देखिए यहाँ पे पीओपी मोड़ लिया, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको पीओपी मोड़ लेकर सिंगल पीस में, देखिए ये बहुत रिस्की होता है, थोड़ा सा
टाइम लेकर लेबर भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये पकड़ना है, हटाना है ना। तो इसीलिए आपको और भी एक्स्ट्रा मैन पावर आप रखिए। और मोल्डिंग कास्टिंग के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने खड़ा करके रख दिया, उसके ऊपर ही मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। ये देखिए कास्टिंग भी हो गया। कास्टिंग करने का बाद अभी पेंट हो रहा है। तो धीरे 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 देखिए मेन पार्ट जो है ये स्प्रे गन से हो गया, बाकी जो छोटा छोटा पार्ट है, डिटेलिंग पार्ट है, उसको ब्रश से करना पड़ेगा। तो देखिए एक स्टेज है, अभी एक बार क्लाइंट को भेजेंगे, फिर से इसको रिटच भी करना पड़ेगा। तो एक दो दिन इसको भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फेस मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही मेन काम है। तो फ्रेंड मेरा चैनल पर रहिए, आर्टिक चैनल पर हर वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा के रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।